अस्सलामुअलैकुम। तो अब हम आगे शादी पर और पीछे गाने चाह रहे हैं, कॉपीराइट ना आ जाए, इस वजह से हम बस थोड़ा थोड़ा ही बोलेंगे और शादी पे हाँ बस ओके। सो गाइस, तो जैसा कि हमने आपको बताया कि हम आज आए हुए हैं शादी पर, और ये शादी थी अहमद के कज़न की बेटी की शादी। मतलब कि कितना लंबा रिश्ता हो गया ना, मतलब अहमद की फुप्पो के बेटे की बेटी की शादी में हम आज आए हुए हैं। और भाई गाने बहुत ज़्यादा बज रहे थे, इसलिए जो है हमने वॉइस ओवर करना बेहतर समझा, क्योंकि जैसा कि आप सबको पता होगा भाई, यूट्यूबर्स का एक तो ये मसला बहुत ज़्यादा होता है कि कहीं भी जाएं अगर कोई ना कोई पीछे म्यूज़िक चल रहा होता है तो वो वीडियो नहीं बना सकते, क्योंकि कॉपीराइट का और स्ट्राइक का डर होता है। खैर, हमने सोचा चलें कोई नहीं, हम वॉइस ओवर कर लेते हैं, आप लोगों को दिखा ही देते हैं, और आप सब बताएं कि हम दोनों कैसे लग रहे हैं। आज हमने करी थी ब्लैक ड्रेसिंग दोनों ने, अहमद ने और मैंने, और काफ़ी ज़्यादा लोग हमें देख भी रहे थे कि हम कितने प्यारे लग रहे हैं। अपने मुंह से अपनी तारीफ़ करना तो गलत होता है, लेकिन क्या करें, लगी इतने प्यारे रहे थे माशाल्लाह। आप लोग सब भी कमेंट्स में लाजमी माशाल्लाह बोल दिएगा। और मुझे भूख भी बहुत ज़्यादा लगने लग गई थी, क्योंकि मैं जो है ना, मतलब बस नाश्ता किया था और फिर तैयारियों में लग गई थी, और फिर मैंने कुछ भी मतलब खाया पिया नहीं था। फिर मैं मतलब फिर हम शाम में शादी में आ गए इधर, तो मुझे फिर भूख ज़्यादा लगने लग गई थी, तो इसलिए मैं बस यही वेट कर रही थी कि जल्दी से खाना खुल जाए। तो माशाल्लाह सेटअप भी बहुत प्यारा था, और अब ये फाइनली बारात आ गई है, ठीक है ना, बारात आ गई। सो फाइनली अभी थोड़ी देर के लिए जो है ना गाना बंद हुआ है। मैंने कहा यार पता नहीं लोग गाने बजा बजा के, मैं तो व्लॉग ही नहीं बना पा रहा था, तो अब फाइनली बंद हुआ है, तो मैंने कहा चलें आपके साथ हम शेयर करते हैं। तो माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी शादी है, और दोबारा शुरू हो गया, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन फिर बंद हो गया, फिर बंद हो गया, तो फिर बंद हो गया, आपको हम दिखाएंगे क्या क्या। ओके बस, तो जैसा कि आपने देखा हम लोग गाने बजने से इतना इतना कोई परेशान हो गए थे ना, कि हम कोई ढंग की वीडियो नहीं बना पा रहे थे। तो ये जनाब साहब हमारे नैना भाई हैं, जो कि मोबाइल में लगे हुए हैं बस वीडियोस बना रहे थे, और मैं तो भाई थक के बैठ गई थी एक जगह पे, क्योंकि मज़ा ही नहीं आ रहा था व्लॉग बनाने का। लेकिन फिर मैंने सोचा यार वॉइस ओवर कर दूँगी, बस आप वीडियो बनाते रहें, अहमद आड़ी टेढ़ी जैसी बन रही है आप बनाते रहें, मैं वॉइस ओवर कर दूँगी। तो अहमद भी लगे हुए थे बस वीडियोस बनाने में। अब हो रहा है निकाह, और सॉन्ग भी बंद हो गए हैं, सॉन्ग की आवाज़ बंद हो गई है, और आपको भी हमारी आवाज़ बिल्कुल सही आ रही होगी, है ना। तो जी अब हम चलते हैं निकाह दिखाते हैं, वैसे वहाँ पे लेडीज़ काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं, लेकिन हम छोटा छोटा दिखा देंगे। गाने फिर से स्टार्ट, गाने शुरू। तो आप सब हमें कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि हम दोनों कैसे लग रहे हैं, और अगर अच्छे लग रहे हो तो आप लोग कमेंट्स में लाजमी माशाल्लाह लिख दिएगा, माशाल्लाह लिखिएगा। और जो है बाकी आप ये जो व्लॉग है ना, इसको शेयर का बटन भी होता है, तो शेयर लाजमी कर दिया, शेयर भी करिएगा, कमेंट भी करिएगा, लाइक भी करिएगा, और सब्सक्राइब भी करिएगा, और देखते रहें लाइव और अहमद को। ओके, भूख बहुत लग रही है, भूख तो लग रही है, लेकिन ये कि हम अभी आज पता नहीं, हम कभी कभार जल्दी पहुंच जाते हैं काफी जगहों पे, और फिर हम आ गए, असल में घर वाले कह रहे हैं जल्दी 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 और दूर जाना ये वो, तो आज हम जल्दी आ गए, और अब निकाह हो रहा है इंशाल्लाह, उसके बाद खाना खुल जाएगा। खाना, भूख तो भूख लगी है लाइफ, चलते हैं अपनी जगह पे। yes. क्योंकि हमारे घर वाले डांट रहे हैं कि तुम लोग बस वीडियोस बनाए जा रहे हो, यार आप लोगों को भी तो हमने बताना ना कि हम आए हुए हैं, आप हमारे समझो हमारी फैमिली की तरह समझो, पर हम शादियों में आते ही वीडियोस बनाने के लिए। yes. शादी देखने थोड़ी आते हैं। yes. तो जी अब निकाह भी हो चुका है फाइनली, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह इनकी जोड़ी को सलामत रखे, आमीन। ये ढोल वाले भी काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं कि गाने कब बंद होंगे, लेकिन गाने जो हैं वो बंद नहीं होने का नाम ले रहे, और अब बस वो स्टार्ट होने लगे हैं ये ढोल बजाना, तो ढोल का तो कॉपीराइट नहीं आएगा, चलो हम वीडियो बना सकते, फिर से गाने स्टार्ट। तो
खाना लगने लगा है और चूल्हे तो चल रहे हैं। और ये लाइबा बैठी हुई। अच्छा वैसे मेरे अंदर एक बहुत बुरी आदत है, घर में जब सब कुछ पका होता है मुझे तब भूख नहीं लगती, ठीक है ना, और जब कहीं जाती हूँ तब मुझे भूख लगने लग जाती है। तो पहले तो सबसे पहले उन्होंने सैलेड सर्व कर दिया, ठीक है, और ये सारे बैठे थे, रजा भाई, डैडी, नैना भाई और सोनू भाई। अब सारे शुरू हो गए और हमें कुछ नहीं मिला, लाइबा को कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। लोगों की चलाकी है कि भाई चम्मच नहीं बता है। क्या कह रहे थे आप? ये मुसलमानों को मार रहे हैं, ये सारे की गोल्ड रिंग्स, यस, ये हराम है, ये नहीं पीनी हमने, ये हमने नहीं पीनी। हाँ, और ये हराम नहीं है वाटर। अच्छा ये पानी, हम सिर्फ पानी पिए अब। हाँ चल डन है ये दोनों। क्यों हराम है बताएं? ये इसराइल की है ना, ये गंदी है। ओके, ओ माय गॉड, बैड, ओ माय गॉड। हमारे पास वो क्या कहते हैं इसे, निकाह की बिद कहते हैं। हाँ बिद ये हमें मिलने लगी है। वालेकुम सलाम, ये देखते हैं ये लाइबा। सो फाइनली अब खाना खुल गया है। ओके ओके, नहीं पी रहे। तो जी आप लोगों ने सुना कि मोहम्मद रयान ने क्या बोला है कि हमने कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीनी, ठीक है, हमने सेवन अप और पेप्सी का बायकॉट कर दिया है क्योंकि ये इसराइली प्रोडक्ट है, तो हमने बिल्कुल भी इनकी कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करनी, नहीं पीनी, नहीं खानी, तो हमने भी नहीं खाई। माशाल्लाह से बच्चे के अंदर बहुत कॉन्फिडेंस था और बहुत उसने अच्छे से बोला, माशाल्लाह माशाल्लाह। और जी हमने खाना भी खा लिया और अब ये चाय आ गई है हमारे पास, फिर हमने कोल्ड ड्रिंक नहीं पी, हमने चाय पी। हेलो, ये क्या बन के फिर रहे हो? ये है लाइबा, ये भी दूल्हा बना हुआ, ये हमारी आयत है, ये जा रहे हैं, और ये तुम क्या दूल्हा बने हुए? फाइनली अब हमें गाड़ी लेनी आ गई, अब हम जा रहे हैं वापस, और ये है लाइबा। चलो जी, सो ओके, सो अब हम बस चलते हैं वापस। और ये है कि माशाल्लाह से बहुत अच्छा रहा आज का इवेंट, बहुत अच्छा रहा और पूरे इवेंट में गाने बजते रहे, इसलिए और फैंस भी मिले हमें, बोल नहीं पाए। और जी अब हम चलते हैं, खाना वाना भी खा लिया है। और आपको हमारा आज का व्लॉग कैसा लगा, हम कैसे लगे, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।